कमीशन और एनईडी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी शो के इस 2022 की दो रोज़ा नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में जारी है। नुमाइश के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरका की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद जान लेते हैं, जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा इस बारे में। आज बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूं और आज एक्सपो सेंटर कराची में सिंध हायर एजुकेशन कमीशन और एनईडी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से जो प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले की जो एग्जीबिशन का आज दूसरा रोज़ है और आज भी तालिब इल्मों का जमा गफिर हमें यहां पर देखने को नज़र आता है। एनईडी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों ने यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं डिस्प्ले किए हैं और बड़े मुनफरद प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर शिरका की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाहजा करा सके कि यहां पर ये बच्चों की काविश हैं, तालिब इल्मों की काविश हैं और इन्होंने एक रिसाइकिल बिन बनाया है, और ये रिसाइकिल बिन इस तरीके से काम आता है कि ये आपकी जो प्लास्टिक की जो वेस्टेज है उसको रिसाइकिल करने में काम आता है। दूसरे सीधे हाथ पे अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि यहां पर एक रोबोट भी बनाया गया है जो कि वाईफाई के थ्रू जो है, इंटरनेट के थ्रू जो है बनाया गया है और ये इसका काम बिलखसूस ये है कि ये आपकी जो स्किल्स हैं उसको निखारने में बड़ी काम करता है। आपके मतलब रोबोटिक जो मशीनरी से हम जो मदद ले सकते हैं वो करने की कोशिश करता है। तो यकीन तौर पे आज एक्सपो सेंटर में ये जो नुमाइश का दूसरा रोज़ है और आज भी तालिब इल्मों का जो मैं गफीर हमें देखने को। शुक्रिया जुबैर आपका।